उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही या सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यह वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों को व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे ख़त्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी
काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। जो आज जाति जनगणना कराने की वकालत कर रहे हैं, हालांकि हमारी पार्टी कोई इसके खिलाफ नहीं है, इसके पक्षधर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा दलितों, आदिवासियों और ख़ासकर पिछड़े वर्गों के लोगों का आरक्षण के मामले में हमेशा विरोध किया हो, तो उसके मुंह से ये बात आना कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर इनको पूरा लाभ मिलना चाहिए, मुझे ये जमता नहीं है। ये इनके मुंह ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि इन्हें जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। कसूरवार और जिम्मेवार इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद शुरू में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में लगातार रही है। हमारे लोग बराबर डिमांड करते रहे, मांग करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी को आप लोग अपना वोट देंगे? क्या अंबेडकरवादी लोग ऐसी कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देंगे? मैं समझती हूँ आप लोग नहीं देंगे। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को अभी हाल ही में जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय हालत में ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में
सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है, लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए, तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती हैं। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहां आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फ़ायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नज़र आते हैं, जबकि पूरे देश में BSP ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती हैं, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वह आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है।
और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर, वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन कमज़ोर एवं उपेक्षित तथा गरीब व असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह उन्हें मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर, बल्कि बड़ी तादाद में उन्हें सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए हैं। लाखों लोगों को हमने ये वहाँ पर अपनी हुकूमत में स्थायी रोजगार उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी ज़मीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। गरीब आवासहीन लोगों के सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। ऐसी जनहित के अनेकों कार्य किए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां
सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर